नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत का बिग अपडेट। जी हाँ साथियों, बड़ा अपडेट आया है, जस्ट अभी आया, ये मान लीजिए 1 अगस्त को। जी हाँ, अपडेट भी इतना भयंकर है कि आप सोच नहीं सकते। फ्लाइट से रिलेटेड है, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट कुवैत ने स्टार्ट कर दी है। जी हाँ साथियों, सभी कंट्रीज़ के लिए आगे हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिल सके। तो भाई शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, कुवैत ने आज बड़ी घोषणा की है। पहले लगभग 30 जुलाई को एक घोषणा की थी कि भाई सभी कंट्रीज़ के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइटें चालू हैं, लेकिन 31 जुलाई को शाम होते होते उन्होंने घोषणा कर दी, 7 कंट्रियों के लिए फ़्लाइटें बैन कर दी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस, बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका, ऐसी कुछ कंट्री थी। आज घोषणा की है कि भाई हम इंटरनेशनल फ़्लाइटें स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें कंडीशन, 3 तरह की कंडीशन रखी है। पहला तो इसमें मेन कॉमन सा ये होगा, और कंट्रीज़ ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि कोई भी कंट्री का हमारी कंट्री में आएगा उसको 14 दिन तक कुवैत में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जी हाँ, ये कंडीशन लाजमी है। अब कोई भी आप जाओ भाई, आपको काम चाहिए 1 दिन का, वो 14 दिन पहले क्वारंटाइन रहो, फिर 1 दिन का काम करके आना है। समझ लीजिए, वर्करों के लिए जो जॉब से रिलेटेड जा रहे हैं उनको 14 दिन रहना पड़ेगा। आगे हम बता दें साथियों कि तीन कैटेगरी उन्होंने डिसाइड की है। 1 अगस्त से स्टार्ट कर दिया फ्लाइट और अगली 1 अगस्त 2021 तक चलेगी। जी हाँ साथियों, 1 साल में 3 प्लान लॉन्च किए हैं। बता दूं मैं, पहला प्लान 1 अगस्त से लेकर 6 महीने तक, समझ रहे हो आपको, यानी जनवरी तक के प्लान में 30% फ्लाइटें चलेंगी। जी हाँ, और प्रतिदिन यात्रियों की संख्या रहेगी 10,100 फ्लाइटों का आगमन हो सकता है इंटरनेशनल फ्लाइटों का, समझ रहे हो आपको। 1 अगस्त से लेके 1 जनवरी 2021 तक 30% फ्लाइटें रहेंगी, 10,000 यात्री प्रतिदिन आ जा सकेंगे, 100 फ्लाइटों का शेड्यूल रहेगा। ये हो गया 6 महीने का। अब आगे बता देते हैं दूसरा चरण साथियों, 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट होगा। जी हाँ, दूसरे चरण में 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट होगा, जिसमें 7% फ्लाइटें, इंटरनेशनल फ्लाइटें रन करेंगी। जी हाँ, फ्लाइटें उड़ान भर सकती हैं 60%। उसमें यात्रियों की संख्या बता दूं 20,000 प्रतिदिन, पर डे 20,000 यात्री आ जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं आ जा सकते। फ्लाइटों की संख्या उन्होंने कर दी है 200 पर डे, 200 फ्लाइटें इन आउट, आउटबाउंड और इनबाउंड हो सकती हैं। आप समझ रहे हैं आपको दो। अब हम बात कर लेते हैं तीन नंबर पे, तीसरा इनका प्लान देख लीजिए। तीसरा प्लान साथियों, 1 अगस्त 2021। जी हाँ साथियों, आज के दिन में आज 1 अगस्त है 2020, 1 अगस्त 2021 में 100% फ्लाइटों का लेन संचालन हो जाएगा 2021, यानी 1 साल बाद में इन्होंने बताया इनका जो प्लान है 1 साल बाद में। और बता दूं 100% फ्लाइटों का संचालन हो जाएगा, 30,000 यात्री इनबाउंड और आउटबाउंड हो सकते हैं, जी हां आ जा सकते हैं 30,000 यात्री, 300 फ्लाइटों का संचालन हो सकता है। यार कुवैत में क्या 300 फ्लाइटें जाती हैं रोज़ की 300 फ्लाइटें बहुत होती हैं यार, मुझे नहीं लगता इतनी फ्लाइटें जाती होंगी, लेकिन भाई जा भी सकती हैं क्योंकि इनकी पुख्ता इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है। ये घोषणा DGCA ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संचालन के प्रोटोकॉल के तहत ये गाइडलाइन जारी की है। जी हाँ, उन्होंने आगे ये भी बताया भाई फ्लाइट से रिलेटेड अगर टिकट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चल जाएगा, जैसे ईमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फ़ोन में या फिर कैसे भी है। ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 को, महामारी को बचाव के लिए ये ऑप्शन दिए गए, अपन मेल कर सकते हैं टिकट या फिर व्हाट्सअप से या फिर कैसे भी मैसेज द्वारा भी अपन टिकट का आदान प्रदान कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो आप समझ गए होंगे साथियों, कुवैत ने बहुत बड़ा लंबा प्लान कर दिया 1 साल का, जिसको कोई भी कंट्री ने नहीं किया, लेकिन क्या करें, हो सकता है इसमें बदलाव आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब कोरोना अगर हो सकता है 2020 में पूरा ख़त्म ही हो जाएगा तो ये प्लान का फिर क्या करेंगे चला के, समझ रहे हो आपको। तो भी बस ये जानकारी थी, आप लोगों के साथ शेयर करती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।